सबऑर्डिनेट्स कोड्स। तो यहाँ पे अब जो है हमें सबऑर्डिनेट कोड्स के बारे में बताया है, अंडर द गाइडेंस एंड द सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट देयर इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द तालुका कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, POTA कोर्ट्स एंड द ट्रिब्यूनल्स एंड द सर्टन स्पेशल कोर्ट्स। इच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू अन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट, द कंसिस्टिंग ऑफ ए सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड द रेवेन्यू कोर्ट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हाई कोर्ट के गाइडलाइंस में और उसके सुपरविजन में जो है काफ़ी सारे बाकी के कोर्ट्स है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, स्पेशल इस तरह से जो है अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, और इन्हें जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जाता है, जिसमें जो है सिविल कोर्ट जैसे कि सिविल केसेस वगैरह होते हैं, क्रिमिनल केसेस वगैरह जो है, रिवेन्यू केसेस वगैरह जो है उनमें जो है यहाँ पे उनके बारे में जो है केसेस में इन केसेस के बारे में जो है यहाँ पे जो है पनिशमेंट वगैरह दी जाती है एंड जो है डिसीजंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट जज। तो अब हम यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में जानेंगे। द अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एनी इंडिविजुअल टू द पोस्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज इज डन बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है जैसे कि जज वगैरह को जो है यहाँ पे प्रमोशन करना है, उन्हें अपॉइंटमेंट करना है और इसको जो है इंडिविजुअली अपॉइंटमेंट वगैरह करना है, तो उसके बारे में जो है डिसीजन वह आके जो रिस्पेक्टिव गवर्नर होते हैं उस स्टेट के रिस्पेक्टिव गवर्नर उनके साथ कंसल्टेशंस करके हाई कोर्ट और स्टेट जो है स्टेट का हाई कोर्ट उसके साथ जो है गवर्नर उन गवर्नर के साथ जो है यहाँ पे विचार विमर्श करके उनके साथ जो है बातचीत करके जो है उन्हें यहाँ पे प्रमोशन किया जाता है या फिर जो है उन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताएं कि डिस्ट्रिक्ट जज होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो है क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है जो हम यहाँ पे जानेंगे। तो जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वह पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि उसका जो है लास्ट 7 ईयर्स तक जो है एडवोकेट की तरफ से जो है उसका यहाँ पे वर्क या उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि उसने जो है यहाँ पे लास्ट 7 ईयर्स तक एडवोकेट की तरह से वर्क किया है। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया है अन ऑफिसर इन द जुडिशरी ऑफ द इधर द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इज एलिजिबल टू द अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऑल द अदर जजेस अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और द हाई कोर्ट इन द कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। और वह जो पर्सन है वह जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में या तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वहाँ पर जो है यह व्यक्ति ऑफिशियल जुडिशरी की तरह वर्क होना चाहिए, कि उसने जो है यहाँ पे ऑफिशियल वर्क किया हुआ है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके अलावा के बाकी के जो भी जजेस होते हैं उनके जो है यहाँ पे हाई कोर्ट के जो गवर्नर होते हैं वे लोग जो है यहाँ पे पब्लिक सर्विस के जो कमीशंस वगैरह पब्लिक सर्विस कमीशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल्स वगैरह जो प्रोविजंस वगैरह बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पब्लिक सर्विस के लिए जो है बाकी के जजेस का जो है यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे सिविल सूट से रिलेटेड जो भी उनके मैटर से रिलेटेड केसेस वगैरह जो है उसकी जो यहाँ पे हियरिंग्स करता है उसे जो हैंडल करता है जो जजेस उसे जो है हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। एंड उसके बाद में बताया कि क्रिमिनल केसेस वगैरह जो हैंडल करता है उसको जो है सॉल्व करता है उसे जो स्पेशल जजेस कहते हैं। ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हियर द पेशेंस चैलेंजिंग द जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट्स अंडर इट। ऑल द सिविल सूट्स ऑफ ₹1 lakh और मोर देन एदर बाय द गवर्नर और द अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर कैरिड आउट इन द डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स। द जजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज टू पावर टू रन द केसेस ऑफ मैरिज डाइवोर्स एलिमनी रिफॉर्म्स एंड द केसेस ऑफ द पेरेंटल कस्टडी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि
जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उसके अंडर में जो कोर्ट्स होते हैं उनमें अगर जो है लोअर कोर्ट्स में कोई यहाँ पे जजमेंट वगैरह दिया गया है जो कि यहाँ पे जिससे कि जो है वह व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है, वह अनसेटिस्फाइड है, तो वह जो है यहाँ पे हाई कोर्ट्स में जो है यहाँ पे चैलेंजिंग कर सकता है, वह अपील कर सकता है। एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो केसेस होते हैं वह मोर देन 1 लाख और 1 लाख के होते है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि गवर्नर के अगेंस्ट में जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट्स वगैरह जो है वह गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो होते हैं वह यहाँ पे डिसीजंस वगैरह दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस है वो सिर्फ जो है यहाँ पे यह वर्क करने के अलावा जो है यहाँ पे मैरिज, डाइवोर्स, एलिमनी, रिफॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड जो केसेस है उनके भी डिसीजंस और जजमेंट्स करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स है उसमें जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल कोर्ट्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं, सेकेंड क्लास जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं, मामलतदार एंड द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। एंड यहाँ पे जो है इस कोर्ट के पास यह पावर होता है कि वह जो है व्यक्ति को पनिशमेंट कर सकता है कि 3 से 10 ईयर्स तक की जो है उसे जेल की सजा वगैरह जो देनी है तो वह जो है यह दे सकता है, इसके पास ये अथॉरिटी होती है। एंड व्यक्ति को 5,000 या उससे अधिक का जो है यहाँ पे पनिश करने होते हैं, दंड देना होता है पैसों का, वह भी जो है दंड देने की अथॉरिटी जो है वह इस कोर्ट के पास होती है। और किसी के जो है मर्डर के केस में वगैरह जो है यहाँ पे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा देनी या फिर जो है उन्हें मौत की सजा देनी, इस तरह से जो है यहाँ पे सजा दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन अ डिस्ट्रिक्ट देयर आर द स्मॉल केसेस कोर्ट्स एंड द फैमिली कोर्ट्स टू। फॉर द केस पैटर्निंग टू लैंड रिवेन्यू देयर इज अ रिवेन्यू कोर्ट, एंड फॉर दिस डिस्प्यूट्स ऑफ द लेबरर्स देयर इज अ लेबर कोर्ट अलॉन्ग विथ अदर ट्रिब्यूनल्स। एज पर द एग्जाम्पल ए ट्रिब्यूनल फॉर कंपेंसेटिंग द व्हीकल्स एक्सीडेंट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सर्विस एंड द अदर राइट्स ऑफ द टीचर्स एंड द प्रोफेसर इज ए गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स फॉर द रिकवरिंग द डेब्ट्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर्स राइट्स, कंज्यूमर्स राइट्स प्रोटेक्शन फॉरम। दिस ट्रिब्यूनल्स फंक्शंस लाइक ए कोर्ट एंड हेल्प द केसेस वेयर इन द प्रोटेक्शनर petitioner of the recover their losses and receive the compensation. In each district there is a fast track court with an objective to run a case faster for hearing the cases of the pota. There are the pota courts in the Gujarat. All these courts have the gathered importance by the decidental deciding there the administrations and the functions independently, firmly and the lawfully. People have started the taking all the benefits and have become the aware. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है स्मॉल कोर्ट्स वगैरह, फैमिली कोर्ट वगैरह जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट्स हैं इनमें इन सबको भी इंक्लूड किया गया है, जिनमें जो है अलग अलग पैटर्न इनके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जैसे कि लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड जो है यहाँ पे तो रिवेन्यू कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया है, लेबरर्स से रिलेटेड जो है तो लेबर कोर्ट जो है उनको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। एंड इस तरह से अदर डिफरेंट जो है ट्रिब्यूनल्स वगैरह एस्टैब्लिश किए गए है, जैसे कि जो है यहाँ पे व्हीकल एक्सीडेंट वगैरह से जो कंपेंसेशन मिलता है तो उसके लिए जो है ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ द सर्विस एंड द अदर राइट्स जो होते हैं टीचर्स एंड प्रोफेसर्स के जो राइट्स होते हैं उसके लिए जो है गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्रिब्यूनल जो है वह एस्टैब्लिश किया गया है। एंड कंज्यूमर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमें बताया कि कंज्यूमर्स के साथ जो है यहाँ पे कुछ जो है गलत तरह से हुआ है कि उन्हें कोई गलत चीज़ दी गई है तो इसके लिए जो है यहाँ पे कंज्यूमर्स राइट प्रोटेक्शन फोरम के जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, जिससे कि जो उनका लॉस हुआ है कंज्यूमर का वे इसे रिकवर एंड रिसीव कर सके। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात में जो है यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वह भी एस्टैब्लिश किया गया है, जिससे कि जो है लोगों को जल्दी से जो है यहाँ पे जस्टिस मिले एंड यहाँ पे जो हियरिंग वगैरह जल्दी से होते रहे। उसके बाद में बताया है कि पोटा केसेस के लिए जो है पोटा कोर्ट्स इन गुजरात में जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। एंड इसके बाद में हमें बताया कि इस तरह से यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उसके अंडर में काफ़ी सारे ऐसे कोर्ट्स जो है एस्टैब्लिश किया गया है कि जिससे जो है गुजरात में यहाँ पे रहने वाली जो लोग है वे जो पब्लिक है वे इसका बेनिफिट लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें लोक अदालत के बारे में बताया है।
गुजरात स्टेट्स इन द फर्स्ट टू स्टार्ट द लोक अदालत टू प्रोवाइड द स्पीडी एंड इकोनॉमिकल जस्टिस टू द पुअर वीक एंड द एक्सप्लोइटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात ऐसा स्टेट है जिसने फर्स्ट में जो है लोक अदालत यहाँ पे एस्टैब्लिश की थी, एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे इकोनॉमिकल जो वीक है, जो लोग वीक है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे सोसाइटी में वगैरह एक्सप्लोइटेड जो लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ पे लोक अदालत एस्टैब्लिश की गई है कि जिससे उन्हें जो है यहाँ पे कम पैसों में और जो है जल्दी से जो है उन्हें यहाँ पे न्याय मिल सके। एंड उसके बाद में बताया है अंडर दिस द कोर्ट प्रोवाइड्स फ्री सपोर्ट एंड गाइडेंस थ्रू द लीगल एड सर्विस सेंटर सिचुएटेड इन द अहमदाबाद। लोक अदालत फंक्शंस द वॉलंटरी द इवन द संडेज एंड हॉलीडेज एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द तालुका हेडक्वार्टर्स एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पिटिशंस। द लोक अदालत जनरली हियर द केसेस ऑफ द एक्सीडेंट एंड द रिलेटेड द कंपेंसेशन, डाइवोर्स, एलिमनी, जनरल डेप्स, पर्सनस कंप्लेंट्स, पुलिस कंप्लेंट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लोक अदालत में जो है यहाँ पे या एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई केस होता है, कंपेंसेशन से रिलेटेड होता है, डाइवोर्स, एलिमनी, जनरल जो डेप्स वगैरह होती है, पर्सनल कंप्लेंट वगैरह जो होती है, पुलिस कंप्लेंट वगैरह जो होती है, उनसे रिलेटेड जो केसेस है उनकी सुनवाई जो है यहाँ पे लोक अदालत में होती है। एंड यहाँ पे लोक अदालत में जो है एडवोकेट, सोशल वर्कर्स, एडुकेशनिस्ट एंड रेप्यूटेड सिटीजन्स, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर, इंश्योरेंस ऑफिसर, जजेस एंड द जुडिशियल ऑफिसर्स वगैरह जो है वे लोग यहाँ पे होते हैं। हेयर केसेस आर द सेटल्ड असेंबली एमिकेबली विच इज द बोथ द पार्टीज आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे जो है हमें बताया है कि लोक अदालत में जो है इस तरह से यहाँ पे डिसीजन दिया जाता है कि जिससे दोनों ही पार्टी जो है सेटिस्फाइड हो, कोई भी हारे नहीं और कोई भी पार्टी जीते नहीं, और टाइम एंड जो मनी है उसे भी हम यहाँ पे बचा सके कि समय और जो पैसा है वह भी जो है वेस्ट ना हो, एंड जो यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग केसेस है वे भी सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से लोक अदालत जो है वहाँ पे केसेस चलते हैं एंड यह जो है लोगों के लिए अट्रैक्शन का सेंटर बना हुआ है। उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज केप्ट द जुडिशियरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंड फियरलेस फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव for the protections of the fundamental rights of the citizen, for the social, political and economical equality and for providing the justice. The judiciary should not be inclined or the based towards the governments. The terms and the conditions for the appointment of the judges, appointment process, pay scales, transfer, promotion, retirement, etc. is taken case of the executive as per the constitutional provisions. तो यहाँ पर हमें बताया है कि इंडिया में जो यहाँ पे जुडिशरी है उसको जो है इंडिपेंडेंस रखा गया है कि वह जो है लेजिस्लेचर एंड जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है उससे जो है इंडिपेंडेंट होकर जो है जजमेंट कर सके, जिससे कि जो है लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्शन हो सके और लोगों की जो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ है वहाँ पे लोगों को जो है यहाँ पे जस्टिस मिल सके। एंड यहाँ पे इस तरह से हमारे गवर्नमेंट में जो है जुडिशरी की इंपॉर्टेंस को बताया गया है। एंड उसके बाद में हमें बताया गया है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट में जो भी यहाँ पे होता है जजेस वगैरह, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, उनकी प्रोसेस होती है, उनकी पे स्केल्स, ट्रांसफ़र और जो प्रमोशन, रिटायरमेंट वगैरह होता है वह कोई भी जो है एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी से नहीं कर सकते, वह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। द जजेस एज पर द अपॉइंटेड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो जजेस जो होते हैं वह अपने स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो है वह अपॉइंटेड होते हैं। द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट रिमूव एनी ऑफ द जजेस ड्यू टू देयर विल और एनी पॉलिटिकल प्रेशर्स। दे पे स्केल्स, द टर्म्स ऑफ द सर्विसेज, प्रमोशंस, ट्रांसफर, बेनिफिट ऑफ द प्रमोशन, पेंशन फंड ऑफ द जजेस कैन नॉट बी अल्टर। तो यहाँ पे हमें बताया कि एग्जीक्यूटिव जो है वह अपनी मर्जी से किसी भी जजेस को जो है रिमूव यानी कि नहीं निकाल सकती उसके लिए, और ना ही किसी पॉलिटिकल प्रेशर में वह व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। उसके लिए जो है यहाँ पे पूरी प्रोसीजर होती है कि पे स्केल क्या है, उनके जो टर्म ऑफ सर्विसेज क्या है, प्रमोशन क्या था, किस तरह से होगा, ट्रांसफ़र, बेनिफिट वगैरह जो है, यह सारा जो वर्क है यह हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग होता है। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द सर्विस एंड जजेस एनी ऑफ द बिहेवियर ऑफ देयर जजमेंट कैन नॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिकली रिव्यूड इन द पार्लियामेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर असेंबली।
द जजेस आफ्टर द रिटायरमेंट कैन नॉट कैरी आउट द प्रैक्टिस एनी ऑफ द कोर्ट द पर्पज ऑफ द इम्पावर द जजेस ऑफ द परफॉर्म देयर ड्यूटीज फेयरलेसली एंड ऑनेस्टली सेल्फ रिलायंटली एंड द इंडिपेंडेंटली एंड फर्मली सो डैट द जजेस कैन इम्पार्ट ट्रू ट्रांसपेरेंट एंड द क्विक जस्टिस। तो यहाँ पे हमें बताया कि कोई भी जो जजेस होता है वह जो है अपना वर्क जो है इंडिपेंडेंटली करता है, उसे जो ऑनेस्टली फियरलेसली किसी भी डर के बिना एंड जो है सेल्फ रिलायंटली इंडिपेंडेंटली वर्क करना होता है एंड जजमेंट देना होता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ के जो कोर्ट है वहाँ पे इस तरह से जो है जजमेंट होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द ज्यूडिशरी एंड इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल एंड द यूनिफॉर्म प्लेस द केस ऑफ द पब्लिक वेलफेयर क्वेश्चन ऑफ द पब्लिक वेलफेयर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू पब्लिक वेलफेयर कैन बी रिटन ऑन अ सिंपल पोस्ट कार्ड और ऑन द ऑर्डिनरी लेटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन द पास्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ट्रीटेड सच मैटर्स एज द पिटिशंस एंड हैज़ गिवन द ट्रेन सेटिंग जजमेंट्स। दिस इज द प्रूफ द विजिलेंस ऑफ द ज्यूडिशरी इन द पब्लिक। तो यहाँ पे हमें बताया कि पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड कोई केसेस होता है, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उन सबको जो है यहाँ पे लिखकर सुप्रीम कोर्ट तक भिजवाया जाता है एंड सुप्रीम कोर्ट जो है उसे जो है अच्छे से ट्रीट करके उस पर जजमेंट देती है। एंड इसके बारे में जो है हमारी ज्यूडिशरी के काफ़ी सारे केसेस जो है पास्ट में देखे गए भी है। एज प्रेजेंट देयर आर अबाउट 3.5 crore पेंडिंग केसेस इन अवर ज्यूडिशरी। तो यहाँ पे हमें बताया कि अभी हमारी ज्यूडिशरी यानी न्यायपालिका में जो है 3.5 crore से ज़्यादा केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनसफिशियंट नंबर ऑफ द कोर्ट्स जजेस एंड स्टाफ इज द रीज़न इन द डिले इन द जस्टिस। तो यहाँ पे हमें बताया कि लोगों को न्याय मिलने में जो है यहाँ पे इनसफिशियंट नंबर ऑफ द कोर्ट्स जितने होने चाहिए उतने कोर्ट्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जजेस और स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लोगों के न्याय में जो है देर होती है। द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन द टास्क ऑफ द रिफॉर्मिंग वन एंड द हाफ थाउजेंड ओल्डर एंड रिलेवेंट लॉज। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि कोर्ट्स की कमी, जजेस की कमी, स्टाफ की कमी की वजह से जो है यहाँ पे 1.5 crore से ज़्यादा जो लोगों के होते हैं यहाँ पे जो कि उनका डिले हो रहा है केस में, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट में इनको रिलीवेंट लॉज वगैरह करने के लिए जो है कि उन्हें किस तरह से जस्टिस मिले और उसके लिए जो है प्रेजेंट में वर्क जो है यहाँ पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेसन जो है यहाँ पे कम्प्लीट हुआ, आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच।